तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 9वीं में या फिर 11वीं में फेल हो गए हो या फिर आपके कक्षा 9वीं या फिर 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हो या फिर आपके सप्लीमेंट्री आई है तो फिर अब आपको आगे क्या करना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसमें से अधिकतर बच्चे तो पास हो गए, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल हो चुके हैं या फिर वे उनकी सप्लीमेंट्री दी गई है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में ऐसे बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री प्राप्त करी है उनको क्या करना चाहिए, या फिर आप लोग वार्षिक परीक्षा के पेपर में फेल हो गए हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि अब आपके आगे कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं और आप लोग इस तरह से अपने साल को बचा सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, तभी जाके आपको पूरा वीडियो और ये अच्छे प्रकार से समझ में आएगा कि आप अगर कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में फेल हो गए हो या फिर आपके सप्लीमेंट्री आई है तो फिर आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो है 6 मार्च से लेके 23 मार्च तक चली थी और सारे पेपर आपके बहुत अच्छे गए थे, मगर क्या हुआ कि किस प्रकार से समझ लो या कुछ भी आप लोग समझ लो, कुछ कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया या फिर कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री दे दी गई। अब ऐसे में ये विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कक्षा 9वीं में जो फेल हुए हैं या फिर कक्षा 10वीं 11वीं में जो फेल हुए हैं उन बच्चों को इस बात की चिंता सता रही है कि हमारा तो पूरा एक साल बर्बाद हो गया, हमारा पूरा का पूरा एक साल किसी भी काम का नहीं रहा क्योंकि अब हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपने इस खराब हुए साल का सदुपयोग कर सकते हो, यानी कि आप अपने एक और साल को खराब होने से बचा सकते हो। तो चलिएगा जानते हैं कि किस हिसाब से आप लोग कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में फेल हो गए हो फिर भी आप लोग एक साल को किस प्रकार से बचा सकते हो। तो चलिएगा जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात हम उन बच्चों की करेंगे जिन बच्चों ने कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में सप्लीमेंट्री प्राप्त करी है। तो चलिएगा समझते हैं। तो देखिएगा, सब लोगों को पता है कि कक्षा 11वीं में एक विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है और कक्षा 9वीं में 2 विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है। तो देखिएगा, 2 में या आपकी जो भी सप्लीमेंट्री आई है उन बच्चों को अब क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप लोग अपने स्कूल से संपर्क करें। अभी मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने कि सप्लीमेंट्री प्राप्त करी है 1 या फिर 2 विषय में। तो देखो, आपको क्या करना है, अपने स्कूल से संपर्क करना है और आपके क्लास टीचर जो भी है उनसे पता करना है कि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कब होगी और सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ठीक है ना। और आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी है, सप्लीमेंट्री परीक्षा में आपको बैठना है और कॉपी में लिख कर आना अच्छे से। और आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सप्लीमेंट्री में किसी को भी फेल नहीं किया जाता है। अगर आप लोग कॉपी को अच्छे से भर के भी आओगे ना तो भी आप लोग पास हो जाओगे। मगर मैं यहाँ पर आपको ये सलाह दूंगा कि अब आपके सप्लीमेंट्री आ गई है तो आप चिंता ना करें, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। वो सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दी गई है उनकी कॉपी किताब जो भी आपके पास में है उसको आप लोग याद करो और उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से याद कर लो ताकि आप लोग परीक्षाओं में उनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री प्राप्त करी है उन बच्चों को सिर्फ यही सलाह दूंगा कि बेटा अब आप सब लोग अपनी पढ़ाई में लग जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो जिससे कि आप लोग अपने साल को खराब होने से बचा सको, ठीक है ना। अब ये तो था आपके सप्लीमेंट्रियों के लिए, सप्लीमेंट्री प्राप्त जो बच्चे हैं उनके लिए सलाह जो कि मैंने आप सबको अच्छे से बता दिया है। आप सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना है, इसमें बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पास हो जाओगे, ठीक है ना। अब ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं, अब उनके लिए कौन सा रास्ता है जो कि खुला हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बेस्ट सलाह दूंगा। अब फेल होने से एक तो आपका साल खराब हो गया, अब दोबारा आप उसी कक्षा में पढ़ोगे तो भी आपको बुरा लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि कक्षा 9वीं में जो बच्चे फेल हुए हैं वो कक्षा 10वीं का प्राइवेट फॉर्म डालकर 10वीं पास कर सकते हैं और इस तरह से उनका साल भी बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो कक्षा 9वीं के ऐसे बच्चे जो कि फेल हो गए ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग ये करना कि जुलाई के आसपास फॉर्म डाले जाते हैं प्राइवेट, आप लोग ऐसा करना कि प्राइवेट फॉर्म डाल देना कक्षा 10वीं का और इस बार अच्छे से मेहनत करना, आप लोग 10वीं में पास हो जाओगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 11वीं में फेल हो चुके हैं उन बच्चों को क्या करना चाहिए, तो देखिएगा आपके लिए भी यही बेस्ट ऑप्शन है।
अगर आप लोग कक्षा 11वीं में दोबारा से पढ़ोगे, क्योंकि अब अधिकतर सरकारी स्कूलों में फेल बच्चों को लिया नहीं जाता है रेगुलर एडमिशन में भी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आप कक्षा 11वीं में फेल हो गए और फिर वापस आप जब एडमिशन करवाने जाओगे कक्षा 11वीं में ही, तो एक तो लिया नहीं जाता है और अगर ले भी लेंगे आपको तो फिर आपको 11वीं पढ़ने में भी असहज महसूस होगा, बुरा सा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो आपके लिए भी सबसे बेस्ट सलाह है कि आप लोग कक्षा 12वीं का प्राइवेट फॉर्म डाल के थोड़ी सी मेहनत करके 12वीं को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सब लोगों को अच्छे से बता दिया कि अगर आपके कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में आप फेल हो चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको अगली कक्षा का प्राइवेट फॉर्म डालना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट बच्चों की परीक्षा भी उसी समय होती है जब रेगुलर बच्चों की परीक्षा होती है और सिलेबस भी आपका सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है कि रेगुलर बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं और प्राइवेट बच्चे घर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक सलाह और मैं आपको देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कहाँ से करें, तो देखो पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो है कि मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हो। हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 10वीं की और कक्षा 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से करवाई जाती है। तो अगर आप लोग घर से मोबाइल के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे पूरे चैनल के ऊपर जो कॉन्टेंट है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको कक्षा 10वीं का और कक्षा 12वीं का बेस्ट कॉन्टेंट उपलब्ध करवाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आपको ऑनलाइन अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आपके शहर में जो कोई भी अच्छा कोचिंग वाला हो उसके पास में आप लोग कोचिंग लगवा सकते हो, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि अब ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 9वीं में या फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री प्राप्त करी है या फिर आप लोग फेल हो गए हो, उन सभी को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब इसी के साथ में मैं आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।